खुला शिमला के लिए राइट, तो वो हमने ले लिया। हम लोग देखो यहाँ पहुँच गए हैं और आप अब देख सकते हो कि देखिए सूर्य भगवान निकलने वाले हैं और हमारे दोनों बीस्ट इधर खड़े हैं। बर्फ के नाम पे तो यहाँ बहुत ही जरा जरा सा ही है। तो भाई लोग अभी तक जो नज़ारा ग्रीन ग्रीन था वो अब वाइट होने लगा है। ये देखिए स्नोफॉल लाइव चल रही है। हेलो एवरीवन, सो हमारी सवारी आज फिर से निकल पड़ी है और अब पता नहीं क्या हो गया कि हमें रात में चलना में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो इस बारी हमने फिर से रात में करीबन 12 बजे गाड़ी निकाल ली अपनी और हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हिमाचल जा रहे हैं। हिमाचल से तो वैसे ज़्यादा ही प्यार है, पहाड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो लोग हिमाचल के लिए निकल चुके हैं और निकले थे 12 बजे, अभी बज रहे हैं 4:30। वही ग्रेटर नोएडा से निकले थे और हम लोग पानीपत क्रॉस कर चुके हैं, इवन अम्बाला कैंट भी आने वाला है। सो अंधेरा है इसलिए अभी आपको बाहर का नज़ारा नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी देर में आपको दिखाएंगे यहाँ के नज़ारे और वापस जैसे ही उजाला होता है आपको पहाड़ों के दर्शन भी करवाते हैं। तो थोड़ा सा इन रोड्स का मज़ा लीजिए, आज थोड़ा ट्रैफिक कम दिख रहा है। लास्ट टाइम जब हम लोग मनाली निकले थे तो ट्रकों का वो रेस चल रही थी, आज ऐसा कुछ नहीं है, आज थोड़ा सा स्मूथ है, कूल है। आप लोगों को दिखाते हैं। अभी रात है, आप लोग देख ही रहे हो, अभी दोनों लोग सो रहे हैं, कुशु भी और बीवी भी, दोनों लोग आराम से सो रहे हैं और हम चल रहे हैं अपनी स्पीड लिमिट में। हमने अपना क्रूज़ कंट्रोल जो है वो सेट कर रखा है ऑलरेडी 92 पे, 92 माने अपना 90 का स्पीड देता है ये रियल वाली, तो अपन 90 की स्पीड लगा करके और चल रहे हैं। अब हम लोगों को शिमला के लिए बस राइट टर्न लेना है थोड़ी सी देर में, ये टाइमिंग सारी सही चल रही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:51 और हम लोग बस अभी आगे से राइट लेंगे, मतलब टाइमिंग सही है, बढ़िया निकला है हम लोग, बस ये फ़ायदा रहता है रात में निकलने का। ऊपर से आज ट्रैफिक भी नहीं था तो वो भी ज़बरदस्त रहा है। पंचकुला शिमला के लिए राइट, तो वो हमने ले लिया। सुबह के 6:15 बज गए हैं और अभी भी अंधेरा ही है, बट हम लोग शिमला की तरफ जैसे मुड़ गए थे तो पहाड़ शुरू हो गए हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, आप अगर ध्यान से वीडियो में देखोगे तो आपको ऊपर लाइट्स दिख रही हैं। बाकी फैमिली में सब लोग सो रहे हैं और आगे हमारे आगे जो नेक्सॉन जा रही है वो भी हमारे ही साथ है, तो बेसिकली 3 फैमिलीज हैं जो कि हिमाचल की तरफ पहुंच रहे हैं। हम लोग देखो यहाँ पहुंच गए हैं और आप अब देख सकते हो कि देखिए सूर्य भगवान निकलने वाले हैं और नीचे हल्का हल्का कोहरा भी देख रहे हैं आप, कोहरा फॉग कुछ भी कह लो, जबरदस्त व्यू है भाई, जबरदस्त। ये देखिए आप, वाओ,
ये आपको कोहरा दिख रहा होगा। और हमारे दोनों बीस्ट इधर खड़े हैं, वीडियो। इतना बेहतरीन व्यू आ रहा है, क्या ही बताए, मजा आ गया, मजा। उगता हुआ सूरज, गजब। और अब ये नजारे, बारिश हुई है भाई, बारिश। और ऐसा सुनने में आया है उड़ती उड़ती खबर कि फिर से बारिश होगी, मतलब बारिश हुई तो स्नोफॉल भी होगा, मतलब ये हो गया ना तो जीवन की पहली स्नोफॉल ना अपने अपने नेकेड आईज से देखी जाएगी, बाकी भगवान की माया है कि नहीं। क्या लगता है स्नोफॉल मिलेगी देखने को आज? दिल से चाहेंगे तो भगवान पूरी करेंगे, लेकिन बिना खाना खाए बोलेंगे तो लगेगा कि आवाज नहीं आ रही है। आवाज बुलाई नहीं तुमने, चलिए पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए। ना 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 ना, दो घंटा लगेगा, दो घंटे काम बता रहे, घंटा चालीस। अरे टोल्ड मी टू, एक घंटे चालीस मिनट, मतलब दो ही घंटा ना होता यार, आप खुद बताइए, एक घंटा चालीस मिनट मतलब दो घंटा, क्लियर है यार, दस पंद्रह मिनट तो आदमी इधर उधर रुकेगा, फोटो लेगा, मजे करेगा, वाह 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 वाह, एकदम फुल। बस एक ही बात का दुख हो रहा है, पानी बरसा है तो गाड़ी गंदी हो जाएगी, चमका ली थी एकदम। बस पहुंचने वाले हैं कुफरी, और बर्फ के नाम पे तो यहाँ बहुत ही जरा जरा सा ही है। पता चला है कि कल रात स्नोफॉल हुई है, बट वो बहुत थोड़ी सी हुई है, आप देखो पानी ज्यादा है, बर्फ कम है। तो अभी ऊपर जब चलेंगे तब देखेंगे क्या है, अभी तो रिजॉर्ट चलते हैं, पहले थोड़ा सा आराम करते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर समझते हैं। देख रहे धूप भी खूब निकली हुई है, ज्यादा कुछ है नहीं। ये देखिए बर्फ गिरनी चालू हो गई है, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, आप लोग जैसे ये देख पा रहे हैं, ये देखिए हम हैं इस समय कुफरी में, और अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही चेक इन किया है, और अभी जस्ट मैं नहाने गया था और बाहर निकल के देख रहे हैं तो ये मस्त नज़ारा सामने आ रहा है, वाह वाह, दिस इज सो लवली। ये देखिए मजा ही आ गया, वेरी नाइस। आप अपना जो बीस्ट है ना सफारी, अपनी ब्लैक पर्ल, आप जाकर के उसको मजा आया, मतलब वो स्नो सूंघते सूंघते लेके आया हमको, चलना तो यही है। तो भाई लोग अभी तक जो नजारा ग्रीन ग्रीन था वो अब वाइट होने लगा है, ये देखिए स्नोफॉल लाइव चल रही है। जब हम आए थे तो पूरा ग्रीन था, हल्की सी स्नोफॉल स्टार्ट हुई, दो तीन बार रुकी, बंद हुई, और अब ये वाइट होती जा रही है।
बहुत बढ़िया नज़ारा, लाइफ की पहली स्नोफॉल देख रहे हैं हम दोनों। क्या करने में लगे? नहीं नहीं गिर जाओगे। बर्फ ही बर्फ है। कुश बहुत सारे बर्फ आ गए, ठंडा है। तो आप लोगों को स्नो व्यू रिजॉर्ट दिख रहा होगा और अपनी गाड़ी देखो खड़ी है और इसको अपनी पहली बर्फ मिल गई है। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल तो नहीं हुई है आज, बट इतनी हो गई है कि गाड़ी को फुल मज़ा आ रहा है। तो उस केस में मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ कि चीज़ें सही डायरेक्शन में रहे। तो फुल जम गई है और ये वाला तो इधर से उठेगा भी नहीं। इस वाले के लिए तो मेरे को उधर ही जाना पड़ेगा जिसका अपने पास एक्सेस नहीं है। बहुत ज़्यादा चिपक के लगी है बट अब जो है सो है। ये देखिए, कुछ इस तरह से आ रहा है ऊपर रूफ पे भी। गाड़ी तृप्त हो गई अपनी और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे बंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो।